स्वागत करता हूं इस एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप देखेंगे राजधानी की रेल यात्रा। जी हां दोस्तों, मैं लॉकडाउन से पहले दिल्ली स्टेशन पर गया था और वहां पर मैंने काफी कुछ शूट किया है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो दिल्ली वाले देखेंगे और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक का बटन है जरूर दबा देना और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। राजधानी की रेल यात्रा, इस रेल ने कितनी कहानियां छिपाई होगी, कितने सफर खूबसूरत बनाए होंगे, कितने मुसाफिरों की मंजिलें मिलाई होंगी। इस रेल ने कितनी कहानियां छिपाई होगी, उस चाय वाले खाका ने कितनी मुलाकातें यादगार बनाई होंगी, कितने किस्से कहानियां बने होंगे स्टेशन में इंतजार के वक्त, फिर इस रेल की आवाज ने कितनी यादें दोहराई होंगी, कितनों को घर मिले होंगे, कितने बेचारे बेघर हुए होंगे, इस दिल्ली की दरवाजों ने कितने अजनबियों को अपनाए होंगे, कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे इस भीड़ में, कितनों को नई मंजिलें दिलाई होंगी। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो मैंने कितनी रंगीन बहारें देखी हैं यहाँ पर, अपने आंगन में सपनों की हर ओर कतारें देखी हैं, गर्मी का ताप सहा मैंने, झेला अनगिनत बरसातों को, और हाँ दिल्ली की सर्दी तो नामी है, उसे कैसे भूल गई। हाँ, ग्रंथ महाभारत थोड़ा बचपन का हाल बताता है, मेरे बचपन का इंद्रप्रस्थ ही नाम बताया जाता है। दिल्ली के बारे में और क्या बताऊँ आपको, इतिहास बताता है, ऐसा है हमारा राजधानी। तो आज तक हमारी जिन्होंने वीडियो देखी और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, और जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको तहे दिल से धन्यवाद। आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए और हमारी वीडियोस देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आपने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और दिल्ली स्टेशन के शॉर्ट्स देखे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।